केजरीवाल के बाद आतिशी को क्राइम ब्रांच ने नोटिस थमाया, आज जवाब देना होगा। बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर दरअसल सबूत मांगे गए। मेरे हाथ में इस वक्त एनबीटी और नवभारत में यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम है जिसमें लिखा है कि पुलिस के नोटिस पर आतिशी का जवाब। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त के दावे पर रविवार को, क्योंकि प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री आतिशी सिंह, उनको एक नोटिस दिया है और ये कहा है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो आरोप लगाए हैं इसके क्या सबूत हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे आम आदमी पार्टी को पता चला कि बीजेपी ऐसा कर रही है, क्योंकि इसको लेकर के सियासत बहुत तेज है। लेकिन अब प्रूफ आपको वहां पर पेश करना होगा और इसी के बाद यहां पर अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल और आतिशी को पेश होना होगा नोटिस के जवाब पर। वहां पर जाकर के अपनी जो भी बातें हैं वो वहां पर दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम के सामने रखना होगा। प्रीति, बिल्कुल प्रिया आपने सही कहा। और बाकायदा ने देखा था कि आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन लोटस 2.0 बीजेपी चला रही है और जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से दिल्ली क्राइम ब्रांच से कहा गया कि इस पर एक्शन लीजिए, सबूत आप मांगिए कि आप किस आधार पर ये बात करें। और उसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहले अरविंद केजरीवाल के आवास पर गए, वो वहां पर नहीं मिले थे, उसके बाद वो आतिशी के घर भी गए थे। एक दिन तो वो दिल्ली से बाहर थी इससे मुलाकात नहीं हो पाई, अगले दिन भी आतिशी अपने घर पर नहीं मिली थी क्योंकि वो सीएम आवास पर थी। अधिकारियों ने इंतजार किया, 4-5 घंटे का इंतजार था, लेकिन जब आतिशी घर पर नहीं मिली तो उसके बाद जो अधिकारी थे वो नोटिस देकर चले गए वहां से। लेकिन कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि अलग अलग रिएक्शंस भी जो बीजेपी के तमाम नेता उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है और सबूत तो अगर इस बात को लेकर कही गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से तो देने ही होंगे।